Will you be able to check his homework diary regularly and guide him accordingly? Yes. No. Are you getting what I'm saying? No. Yes. No. Yes. See, I think both of you are not following my instructions. Yes. No. Yes. 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 No. No. Okay, you may leave. We will inform you on the phone. No. 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 Oh God. आप जा सकते हैं. आपको फोन पर बता दिया जाएगा. ठीक है जी. हमारे स्कूल में सारी लर्निंग एक्टिविटीज के थ्रू ही करवाई जाती है. बच्चे खुद ही पार्टिसिपेट करते हैं. ए टू जी लर्निंग थ्रू एक्टिविटीज. फर्स्ट पीरियड योगा, यू नो, फिटनेस, उसके बाद ब्रेकफास्ट हमारे स्कूल से प्रोवाइड किया जाता है, यू नो, न्यूट्रिशन, एंड देन डांस, यू नो, एंटरटेनमेंट, मस्ती, उसके बाद म्यूजिक, रिलैक्सेशन, यू नो, एंड देन स्पोर्ट्स, यू नो, फिटनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन लंच वो हमारे स्कूल से ही प्रोवाइड करते हैं, यू नो, टेबल मैनर्स, एंड देन कन्वर्सेशन, यू नो, स्पीच एक्टिविटीज, देन आर्ट एंड क्राफ्ट, क्रिएटिविटी, यू नो, एंड देन हॉबीज क्लास. बच्चों के हॉबीज के अकॉर्डिंग ही उनको एक्टिविटीज करवाई जाती है, यू नो, हिडन टैलेंट. उसके बाद 2 बजे छुट्टी, डांस क्लास, म्यूजिक क्लास, योगा क्लास, स्पोर्ट्स क्लास, ट्यूशन फीस, ये सारा कुछ मिला के कुछ 1.5 लाख होगा साल का. और ब्रेकफास्ट हमारी तरफ से ही होता है, यू नो, कॉम्प्लीमेंट्री. पढ़ाई तो कराऊंगी. वो तो आप करवाएंगे ना. मेरा मतलब ऐसे ही तो होता है, स्टडीज, यू नो, लर्निंग बाय डूइंग. हाँ जी, हाँ जी, इदा ही होता जी. तो कब करवा रहे हैं एडमिशन? फोन ते दस देंगे, यू नो, टेक्नोलॉजी. ओ आ भी नरेंद्र सिंह, आ जा, आ जा. और किदा? बस ठीक है. नरेंद्र की गल, 2 दिन हो गए ऑफिस नहीं आ रहे, सब सुख तो है? की दसा यार, अब पिछले 2 दिन तो मैं स्कूलों के धक्के खाई जाना भरावा. बच्चे की एडमिशन समझ ही नहीं आ रही यार, कित्थे करवावा. एक तो इन्नी महंगाई, उपरों इन्ने महंगे स्कूल. मेरा तो यार सिर चकरा के रह गया, भी एडमिशन करावा कितने बच्चे की. मेरी एक गल सुन, मैं तू यह दस कि तू अपने बच्चे नू चंगे स्कूल पढ़ाना चाहना या महंगे च? ओबियसली चंगे स्कूल च यार. हाँ. पर महंगे स्कूल ही तो चंगे स्कूल होंगे है ना. अच्छा, तो फिर तू केड़े केड़े महंगे स्कूल, मेरा मतलब चंगे स्कूलों च जाके आया? पूछना यार, मैं तो शहर के सारे महंगे तो महंगे स्कूल, मेरा मतलब चंगे स्कूलों च केड़ा लाया भरावा. भाई स्कूलों के तो नखरे ही बड़े है यार. एक स्कूल तो कहता पेरेंट्स वध पढ़े लिखे होने चाहिए है, दूसरा स्कूल कहता जी तुहानू ट्यूशन शुरू तो ही रखनी पवेगी, एक स्कूल आ वह किताबी कीड़ा बनाई जाते हैं, दूसरा भरावा वो शोशेबाजी च पे आ, पढ़ाई का तो नामो निशान ही नहीं. मैं तो कुछ समझ नहीं आ रहा यार, की करा. अच्छा, एदा मतलब अज तू शहर के सारे स्कूलों की चंगी स्टडी करके आया, तो फिर की डिसाइड किया? यार यही तो डिसाइड नहीं हो रहा ना. चल चल. बेटा ये किताब तुसी पढ़ रहे सी? हाँ जी अंकल. पर ये तो इंग्लिश मीडियम है, तुसी इंग्लिश पढ़ लेने? हाँ जी अंकल. वेरी गुड. वैसे तुहानू पता है ए कौन है? यस अंकल, ही इज डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम. हिज फुल नेम इज डॉक्टर अबुल पाकिर जनरल अब्दिन अब्दुल कलाम. ही वाज 11th प्रेसिडेंट ऑफ आवर कंट्री. ही वाज आल्सो नोन एज द मिसाइल मैन. वाह यार, तेरी कुड़ी तो बड़ी इंटेलिजेंट है, ये कितने पढ़ती है? चंगे स्कूल विच. की मतलब? मतलब कोई फीस नहीं, ना एडमिशन फीस, ना ट्यूशन फीस, ना लंच फीस, ना एनुअल चार्ज, ना कोई एक्टिविटी फीस.
कुछ भी नहीं। अच्छा, पर ये जड़े स्कूल होंदे है ना, इन्हां ने सारा कुछ जिवें यूनिफॉर्म्स, बुक्स, स्टेशनरी, स्कूल बैग्स सब कुछ अपने कोलो देना हुंदा, ते इहदे च ही वादे घाटे पूरे कर लैंदे। ओ नहीं वीरे, यूनिफॉर्म फ्री, बुक्स फ्री, इत्थों तक इंटेलिजेंट बच्चियां वास्ते वजीफा अलग तों। मेरी बेटी नूं पिछले साल ही तां लगा हजे वजीफा। ओ नाले जदों कोविड दे दौरान सारे स्कूल बंद होए सी तां ऑनलाइन पढ़ाई भी करवाई गई, ते इह पढ़ाई सिर्फ व्हाट्सएप ते काम भेज के नहीं ਸਗੋਂ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀਡੀਓ ਕਲਾਸਿਸ ਲਗਾ ਕੇ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇੱਕ ਸਪੈਸ਼ਲ ਐਪ ਵੀ ਲਾਂਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਐਜੂਕੇਅਰ ਐਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈ ਕੰਟੈਂਟ, ਈ ਬੁੱਕਸ, ਚੈਪਟਰ ਵਾਈਜ਼ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟਸ, ਕੁਇਜ਼, ਪਜ਼ਲ, ਵੀਡੀਓ ਲੈਕਚਰਸ, ਮੌਕ ਟੈਸਟ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਮਹਿੰਗੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ। ਤੂੰ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ। ਓ ਛੱਡ ਯਾਰ, ਸਮਾਰਟ ਕਹਿਣ ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਕੋਈ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਕਿਉਂ, ਤੂੰ ਦੇਖਿਆ ਨੀ ਮੇਰੀ ਕੁੜੀ ਕਿੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲਦੀ ਹੈ। ਯਾਰ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਘਰੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਹੋਣ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਉਹ ਬੱਚੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਸਿੱਖ ਹੀ ਜਾਂਦੇ। ਨਹੀਂ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੂਸਟਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਇਆ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਕਨਵਰਸੇਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਕਲਾਸਾਂ ਵੀ ਲਗਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸਾਨੂੰ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦੀ ਪੂਰੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇੰਨੀ ਵਧੀਆ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਬੋਲ ਲੈਂਦੀ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਸਾਰੀ ਪੜ੍ਹਾਈ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਮੀਡੀਅਮ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗੀ ਹਾਂ। ਸੱਚੀ ਆ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਸਮਾਰਟ ਹੋ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਫੇਰ? ਹਾਂ ਯਾਰ, ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਤਾਂ ਸੱਚੀ ਸਮਾਰਟ ਸਕੂਲ ਬਣ ਗਏ ਯਾਰ। ਚਲਾ ਚਲੀਏ ਫਿਰ।